सभी जितने भी प्रभु के अवतार हैं, किसी भी अवतार में जब भी आए, एक श्रेष्ठ मानव की संरचना के लिए आए। मनुष्य मनुष्य कैसे बने, ये पावन पवित्र कथा आपको बता दें, जो आप लगातार पीछे दो दिनों से और आज तीसरा दिवस श्रवण कर रहे हैं। प्रभु भक्तों, कथा कल भी आपको बताए कि कथा कहानी बचपन में भी माँ बाप दादा दादी कई बच्चों को सुनाते हैं। आज के समय तो आपको सुनाने का फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे देते हैं। वो बच्चों को तो अच्छी घटना सुनाएंगे नहीं, अच्छी कहानी सुनाएंगे नहीं, वो तो भर दिन मोबाइल में। बच्चे को पूछिए, बच्चे कौन सी कहानी याद है, कोई कहानी याद नहीं है। बच्चे से पूछे फिर मोबाइल में देखते क्या हो, कौन सा गेम, कौन कौन बच्चे लोग गेम खेलते हैं, खेलते हैं नहीं खेलते हैं। सारे बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं। सबसे फेवरेट गेम हम लोग जब विद्यार्थी का यहां भी संस्कार शाला का कार्यक्रम कल नहीं परसों है, छोटे छोटे बच्चे कल यहां पे आएंगे हजारों की संख्या में, परसों बहुत सारे स्कूल को इनवाइट किया गया है। और आपको बता दें, जब बच्चों का हम लोग संस्कार शाला के ऊपर कार्यक्रम करते, जब उनसे मुलाकात होती है, तो शायद 99% ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा नहीं है कि वो गेम नहीं खेलते, खेलते ही खेलते हैं। प्रभु भक्तों, आपको कल 16 संस्कार में गर्भधारण संस्कार के बारे में बताया गया था। बच्चों का मानसिक विकास जन्म लेने के बाद नहीं अपितु मां के गर्भ में 80% विकास बच्चों का हो जाता है, जो कल आपको बताए थे। लेकिन सज्जनों, इनके बाद भी ये भारत की परंपरा, ऋषि कुल की परंपरा, भारतीय संस्कृति की परंपरा हो रही है। बच्चे जन्म लेने के बाद उनके माता पिता का अहम रोल होता था, एक श्रेष्ठ बालक बनाने में अहम रोल यदि किसी का है तो मां बाप का है। आज ये लाइट जलते हुए देख रहे हैं ना, थॉमस एडिसन आप जानते होंगे, बचपन की एक घटना है उनकी। कोई स्कूल में जब पढ़ने जाते थे ना, बड़े ही मंद बुद्धि के बालक थे। टीचर जो भी पढ़ाते थे उसे समझ नहीं आती थी। एक दिन की बात है, उनके टीचर ने उनके घर में एक चिट्ठी लिखे कि आपका बेटा इतना मंद बुद्धि है, इसे कुछ भी समझ नहीं आता है और मेरे स्कूल में पढ़ने के लायक ये नहीं है। वो चिट्ठी उस बालक को पकड़ा दिए, बोले कि तू अपने माता या पिता किसी को घर में दे देना। एडिसन उस चिट्ठी को लेकर के घर में आए, घर में उनकी मां देखी, मां देखी चिट्ठी को पढ़ रही थी और उस मां के आंख से आंसू टपक गिरना प्रारंभ हो गया। छोटा सा बालक एडिसन पूछते हैं, मां इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है जो तू रो रही है। देखिए, वो मां कहती है, पुत्र इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आपका पुत्र इतना इंटेलिजेंट है, इतना तेज है पढ़ने में, मेरे स्कूल में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो इसको पढ़ा सकते हैं, इसीलिए कल से आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा, आप अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा लीजिएगा। ठीक उसके विपरीत उनकी मां बोली। और सज्जन, इतिहास गवाह है, मां गर्भ में तो संस्कार देती ही देती है, जन्म लेने के बाद भी एक मंद बुद्धि बालक को बहुत बड़े महान साइंटिस्ट यदि किसी ने बनाया,
कौन बनाया? एक माँ का अहम रोल था, उसे पढ़ा लिखा करके महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का निर्माण कर दिए। रचना बताती है कि थॉमस एडिसन की मां की मृत्यु हो जाती है। एक दिन थॉमस एडिसन अपने घर की जब सफाई करते हैं, बिस्तर में वही चिट्ठी, बचपन वाली चिट्ठी थी जो मां बिस्तर के नीचे रखी हुई थी, अचानक वो चिट्ठी उसको मिल जाती है। वो चिट्ठी जब पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ने के बाद सज्जना उसके आंख से, उस एडिसन के आंख से आंसू गिर जाता है कि महान वैज्ञानिक यदि कोई बनाने वाले हैं तो कौन है? वो मेरी मां है। मां सजना, अभी बच्चों का एग्जाम आने वाला है, आप ही के घर के छोटे छोटे बच्चों का एग्जाम, फरवरी माह, अगले माह में एग्जाम शुरू हो जाएगी बच्चों की। किसी के बच्चे मैट्रिक में फेल कर जाए, किसी के बच्चे इंटर में फेल कर जाए, किसी के बच्चे किसी कंपटीशन में फेल कर जाए, क्या होता है मालूम है? सबसे ज्यादा प्रेशर कौन देते? पिता, माता, भाई उसे उलहना देते, तो पढ़ने में बहुत कम इंटेलिजेंट है। आज की सोच सज्जनों, कल भी आपको बताए थे, बच्चे को आज यदि कोई पढ़ाते हैं ना, किस लिए पढ़ाते? नंबर के लिए। बच्चों को यदि कोई पढ़ाते हैं तो नौकरी के लिए, नौकर तो बनाना चाहते हैं, बच्चों को मालिक बनाने की ज्ञान कोई देना नहीं चाहते, बच्चों को श्रेष्ठ इंसान कोई बनाना नहीं चाहते। गौर कीजिए, अब जब परीक्षा आएगा, विद्यार्थी जब फेल कर जाएंगे, मां बाप इतना टेंशन देंगे, पता चलेगा कि जयनगर रेलवे स्टेशन के सामने में बच्चे कट करके मृत्यु के घाट उतर गए, पंखा में रस्सी लगा के कितने पेपर में पढ़ेंगे, रिजल्ट आने के बाद इतने बच्चों ने फांसी लगा के मर गया। एक बात बताइए, आज जो सबसे सुंदर स्टैंडर्ड स्कूल है ना पूरे भारत देश के अंदर में, गौर कीजिए, यदि उच्च क्वालिटी के स्कूल में आप अपने बच्चों को भर्ती करना चाहते हैं, आपके बच्चे का अंक 95% होना चाहिए, आपके बच्चों का अंक 99% होना चाहिए, आपके बच्चों का अंक 97% होना चाहिए। इतना ही नहीं, बच्चे के माँ बाप को भी इंग्लिश आनी चाहिए, तब उस स्कूल में जाकर के बच्चे का एडमिशन होगा। यदि इंटेलिजेंट विद्यार्थी को कोई स्कूल वाले पढ़ा दे, कौन बड़ी चीज है जी, बताइए कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए? जो मंद बुद्धि के बालक को पढ़ा दे, जो मंद बुद्धि के बालक का निर्माण करके साइंटिस्ट बना दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? आर्मी के, बहुत आर्मी में जाना चाहते थे, देश के रक्षक बनना चाहते थे। एग्जाम देने गए, बहन का जेवर लगा करके गए, इतना गरीब थे जो कल्पना नहीं कर सकते। और जब एग्जाम देने गए, एग्जाम जब दिए, सज्जनों घटना बताती है कि एग्जाम देने गए, देने के बाद जब एग्जाम में सब चीज में पास हो गया, अंत में कोई एक ऐसा चीज आया जिसमें वो पास नहीं हुए, असफल हो गए, बड़ी उदास हो गए, बड़ी उदास। और अंत में उन्होंने संकल्प लिया कि हम क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। समुद्र के तट पे जहां वो आत्महत्या करने जा रहे थे, उसी समय उसे एक संत मिले। उस संत उनके पास आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से मिलते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं और सारी घटना को सुनते हैं। मालूम है एक संत दूसरे जाति से क्या थे? मुसलमान। अब सोचिए सजना, वो संत को भी यदि किसी जाति पाति भेदभाव रहा था तो शायद उस मुसलमान को सही सलाह नहीं देते।
गौर कीजिए, भगवान के घर से कोई आते ना, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के नहीं आते, वो संत उसे समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं, हे बालक यदि तू इस परीक्षा में पास नहीं हुए हो ना, हो सकता है भगवान तुम्हारी रचना, ईश्वर खुदा तुम्हारी रचना इससे श्रेष्ठ कार्यों के लिए रखी हो, छोटे से पद पे तुम्हें आसीन नहीं होने दिया, हो सकता है इससे महान कार्य तुमसे करवानी हो, इसीलिए तुम्हें इसमें असफलता मिली है। अच्छे से उसे मोटिवेशनल विचार दिए, सत्संग सुनाए और उसको आने का भाड़ा दिए। सज्जनों आपको मालूम होगा एक दिन वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रचलित हुए, विश्वविख्यात हुए, कितने प्रकार के आप देखिए आविष्कार इस भारत देश को देके गए, भारत देश के राष्ट्रपति बने, शायद वहां आत्महत्या कर लेते तो क्या बन पाते, क्या बन पाते। असफलता सफलता की जननी होती है, जिसके जीवन में कभी असफलता हाथ नहीं लगी, गौर कीजिएगा, वो कभी सफलता की आनंद को प्राप्त ही नहीं कर सकते। असफलता ही समाज के विद्यार्थियों के किसी मानव के किसी के जीवन में सफलता की कुंजी है। ये संतों की टोली, एक बात बताइए, इतिहास के पन्नों को उठा करके आप देखिए, जिस भक्तों की घटना को सुनेंगे, चारों तरफ प्रहलाद के सामने क्या था, चारों तरफ सुदामा के सामने क्या लग रहा था, सुबह क्या खाएंगे उसका ठिकाना नहीं है, भक्त के सामने तो चारों तरफ असफलता की सीढ़ी थी, लेकिन भक्त को उस ईश्वर पे, परमात्मा पे, उस खुदा पे जो अंतर जगत में उसको जानते थे, उस पर पूर्ण भरोसा था, जिंदगी की बाजी को हारते नहीं थे, असफलता को सफलता की सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ जाते थे। प्रभु भक्तों, ये श्री हरि कथा, ये भारत की भूमि, भारत देश, आपको मालूम है भारत देश का नाम कल आपको बताए थे, पढ़े होंगे कि शकुंतला के पुत्र